अपनी वेल्थ को किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को उस पर्टिकुलर चीज़ को हम एज अ प्रोसेस एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो जब आपके पास मल्टीपल तरह की वेल्थ होती क्या है इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन आपकी प्रॉपर्टी आपके जो इनहेरिटेड मनी है आपने जो पैसे कमाए हैं सेव करे हैं ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी वेल्थ डिफाइन होती है तो आपने मुख्तलफ तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में या मुख्तलिफ तरह की एसेट्स के अंदर अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को हम पर्सनल पोर्टफोलियो सिलेक्शन कहते हैं एंड नाउ देर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस द पर्सनल पोर्टफोलियो सिलेक्शन तो हो सकता है कि देर आर टू पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक ही ऑर्गेनाइजेशन में वो दोनों काम करते हैं दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है दोनों की उम्र सेम है दोनों का जेंडर भी सेम है लेकिन जो उन्होंने पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया हुआ है अपने लिए वो फ़र्क हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इफ़ यू हैव सर्टन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स यू गो फॉर द सेम पोर्टफोलियो तो ऐसा नहीं है आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस भी उसमें काउंट होते हैं आपके जो सर्कमस्टांसिस हैं वो काउंट होते हैं आपके पास पैसे कितने हैं आपका एक्सपोजर है किस किस्म का आपका रिस्क का टॉलरेंस का लेवल क्या है ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कि हमें पर्सनल पोर्टफोलियो सिलेक्शन में मदद देते हैं या दीज आर दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो सिलेक्शन ऑफ अ पर्सन सो एज आई सेट के वी कैन नॉट है सिंगल पोर्टफोलियो फॉर ऑल टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स इट विल वेरी इवन इफ आर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अमांग टू डिफरेंट ह्यूमन बींग्स आर द सेम फिर भी देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जो उन्होंने अपने लिए पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल ही फर्क हो एक जैसा ना हो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड के हम उसमें इट इज ऑलवेज बेटर देर आर सर्टन थिंग्स विच आर टू बी कंसिडर्ड कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक बेहतर पोर्टफोलियो हो तो उसमें सबसे अहम बात जो है दैट इज डाइवर्सिफिकेशन कि जब आप पोर्टफोलियो बनाए अपनी वेल्थ को डिफाइन करने के वास्ते कि एक किन हेड्स में जाने जा जा रही है उसमें आप डाइवर्सिफिकेशन के प्रिंसिपल को जरूरी शामिल करें उसको फॉलो करें बिकॉज दैट कैन हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर एक्सपोजर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क नाउ देर आर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनल पोर्टफोलियो सिलेक्शन एंड दीज डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड द लाइफ साइकिल का मतलब है कि आप अपने लाइफ साइकिल के किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं आप रिटायर हो चुके हैं आप रिटायरमेंट के करीब हैं आपने अभी अपना जॉब स्टार्ट किया है यू आर यंग स्टूडेंट आर और रीसेंट ग्रेजुएट हैं आप या रिसेंटली मैरिड इंडिविजुअल हैं तो आप अपने लाइफ साइकिल के किस पॉइंट पे बैठे हुए हैं वो एक अहम डिटर्मिनेंट है आपका पर्सनल पोर्टफोलियो सिलेक्शन करने के लिए एनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज द टाइम हेराइजन टाइम हराइजन का मतलब है कि जब आप पोर्टफोलियो सिलेक्शन कर रहे हो जो डिफरेंट डिसीशन ले रहे हो कि मुझे इस चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए इतने पैसे अपने पास कैश रखना चाहिए तो जो आप प्लान कर रहे हो उसका ड्यूरेशन कितना है यानी कि आप प्लानिंग जो कर रहे हो वो सिक्स मंथ्स के लिए है एक साल के लिए है पाँच साल के लिए नेक्स्ट ट्वेंटी इयर्स के लिए है मसलन आपने कहा कि आज मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है मेरी उम्र पच्चीस साल है और साठ साल के न, के बाद मैंने रिटायर यानी कि जब मैं साठ साल का हो जाऊंगा उस वक्त मैं रिटायर हूँ साठ साल के बाद फिर मैं क्या करूँगा उसके लिए आपने अभी से कोई इस तरह के पैसे सेव करके या इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दिया है तो अब आप आपका जो हॉराइजन है इफ़ यू आर ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड एट द स्टेज तो आप अपने सिक्सटी ईयर्स तक के टाइम पीरियड के बाद के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आपका हॉराइजन काफ़ी लंबा हो जा रहा है लेकिन अगर किसी आदमी ने ये बोला कि अगले दो साल के बाद मैंने गाड़ी लेनी है और मुझे अपनी तनख्वाह में से इतने पैसे कम सेव करने चाहिए और इतने पैसे कोई एक्स्ट्रा जॉब करके वहाँ से कमाने चाहिए तो ऐसे के केस में उसका जो टाइम हराइजन है दैट इज़ टू इयर्स राइट कि वो दो सालों के अंदर पैसे कोई सर्टन अमाउंट ऑफ मनी सेव करना चाह रहा है तो इट विल आल्सो वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपका जो टाइम हराइजन है वो शॉर्ट है वो लॉन्ग है

Another very वेरी determinant is the role रोल ऑफ अ प्रोफेशनल एसेट मैनेजर कि अगर आप किसी प्रोफेशनल एसेट मैनेजर के पास जाते हैं कंसल्टेंसी लेने के लिए वो कितना कामयाब हो जाता है आपको उसके पास जो उसको लग रहा है कि ये सेफ एंड साउंड पोर्टफोलियो है वो उस आपको कन्विंस करे कितना स्ट्रॉगली कन्विंस कर सकता है या कितना नाकाम हो जाता है कि आपको वो सर्टन तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्टमेंट लेने में कामयाब हो जाए आपका पोर्टफोलियो डिफाइन करने में उसका क्या रोल है तो दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर्सनल एग्जाम्पल कोट करने जा रही हूँ आई हैड सम मनी टू इन्वेस्ट तो आई वेंट टू अ बैंक और मैंने उसके मैनेजर को बोला कि मेरे पास ये पैसे हैं मुझे आप बताएं कि मुझे इसके क्या करना चाहिए तो मैं एक तरह की इन्वेस्टमेंट में पैसे सारे इन्वेस्ट करना चाह रही थी उसने मुझे कहा कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप दो इन पैसों को आधा आधा कर दें और एक हाई रिस्क वाले में डालें जहां आपको रिटर्न हाई मिलेगी मगर वहां नुकसान हो सकता है लॉसेस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है लिहाजा आप क्या करें आप टू बी ऑन द सेफर साइड इन इस ये जो टोटल अमाउंट है इसके दो हिस्से कर दें एक आप लो रिस्क लो रिटर्न वाले अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर दें आधे पैसे और आधे पैसे आप हाई रिस्क में डाल दें ठीक है तो अभी जो हाई रिस्क वाला जो इन्वेस्टमेंट थी अपॉर्चुनिटी वहाँ से मैंने देखा यहाँ से तो मुझे काफ़ी uh, फ़ायदा पहुँच रहा है और जो नुकसान कम वाली अपॉर्चुनिटी थी वहाँ से मैंने देखा मुझे नुकसान हो रहा है ज़्यादा तो मैंने इवेंचुअली फिर क्या किया कुछ पैसे वहाँ से निकाल के इसमें डाल दिए तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्लान एंड यू कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवाइजर या प्रोफेशनल एसेट मैनेजर जिसके पास आप अपने एसेट की मैनेजमेंट के लिए एडवाइस सीख करने जा रहे हैं वो आपको इन्फ़्लुएंस करेंगे कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे या नहीं कर पा सकते तो ये एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है आपके पोर्टफोलियो सिलेक्शन का